हेलो फ्रेंड्स, सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मतलब स्टैटिक सेंट्रल टेंडेंसेस में इंट्रोडक्शन सेशन के बाद हम पार्ट वन में सबसे पहले टेबल्स बनाना सीखते हैं। हमारे सामने हमने एग्जाम्पली दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसमें मेरे पास में कुछ डाटा रॉ डाटा दिया हुआ है। उस रॉ डाटा को मैं एनालाइज करके हमारे समझने लायक हमारे इस्तेमाल करने लायक कुछ इजी वे में कन्वर्ट करने का तरीका पहले सिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज बेसिकली मैथ इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 9, लेकिन कक्षा 10वीं के विद्यार्थी भी इसे उतना ही ध्यान से देखें क्योंकि कई बार वो चीजें भूल जाते हैं और छोटी छोटी गलतियां इसके कारण से करते हैं। देखिए, हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन यह है नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की संख्या इन 25 फैमिलीज 25 परिवारों से ऑफ ए लोकेलिटी एक लोकेलिटी एक मोहल्ले से हमने 25 परिवार चुने और उनमें बच्चों की संख्या पूछी। हम एक एक घर गए, हमने नाम लिखा, मिस्टर सुदर्शन शर्मा आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2। दूसरा मिस्टर राजेश पाठक आपके घर कितने बच्चे हैं? 3। इस तरह से हमने सभी के घरों से बच्चों की संख्या काउंट करी, ये हमने दी है। अब हमारे को इसके लिए ताबड़ है तो सबसे पहले मेक अ टेबल। सबसे पहले हमें इसे क्या करनी है? टेबल। और अगर जगह बचेगी तो फिर मैं इसी में आपको एवरेज निकालना भी सिखाऊंगा। देखिए, टेबल बनाते समय मेरे पास में एक नजर पूरे डाटा पे डालिए। मेरे पास संख्याएं क्या क्या है? 2 है, 1 है, 0 है, 3 है, फिर 2, 0, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, मतलब कुल 3-4 संख्याएं 0, 1, 2, 3। इसके अलावा बहुत ज्यादा संख्याएं नहीं, जितनी कम संख्या उतना मेरे लिए आसान होता है। मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले एक टेबल बनाते समय डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या हम उसको केवल टेबल नाम देते हैं, ज्यादा ना सोचे हम उस पर, नाम रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला कॉलम देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की संख्या। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बाद में दूसरे कॉलम पे हम बनाते हैं टेली मार्क। क्या बनाया हमने? टेली मार्क। और तीसरा कॉलम हम ले लेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज या नहीं समझ पड़े तो किसे हम बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे इसे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है आवृत्ति, बारंबारता, बारंबारता या आवृत्ति, ठीक है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। देखिए भाई, कैसे करना है आपको ये काम? बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो डाटा है आपके पास उसको क्रम से लिख लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 0, फिर उससे बड़ी संख्या 1, फिर उससे बड़ी संख्या 2 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 3। आपके पास ये 4 संख्याएं ही है, इन संख्याओं को नेट करा। अब सबसे पहली संख्या देखिए 2। 2 2 के सामने जाकर के एक डंडी खड़ी कर दीजिए, दैट मीन्स काउंट 1। फिर 1, 1 के सामने जाके एक डंडी खड़ी कर दीजिए, मतलब 1 का भी काउंट 1 हुआ। 0, 0 पे जाकर के एक डंडी खड़ी कर दीजिए, मतलब 0 का 1 काउंट हुआ। 3, तो 3 के सामने 1 काउंट। फिर 2, तो 2 के सामने जाके उस डंडी के पास में एक और डंडी खड़ी कर दीजिए, मतलब 2 के काउंट 2 हो गए। 0 पे सेकंड काउंट, फिर अगेन 0 पे एक और काउंट, फिर 2, फिर 2, अगेन 2, फिर 2 पर, फिर 3, जिसके सामने जो अंक मिले उसके सामने एक डंडी खड़ी कर दीजिए, 1, तो 1 पे काउंट कर दीजिए। 2, 2 पे जब नया काउंट आया तो यहाँ देखिए पहले से 2 पे कितने हैं? 4 डंडियां हैं। 4 डंडियों के बाद पांचवी डंडी को हम क्रॉस करके लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक पैक, पैकेट ऑफ 5। जैसे आप लोग दीपावली में पटाखे लाते हो ना, 5-5 का पैकेट, बस ये पैकेट बना दिया। फिर 3, तो 3, 3 के बाद 1, 1, 2 पे, तो 1 पे 2 डंडियां खड़ी कर दी मैंने। फिर इसके बाद 0, 0 पे आ गए, 1 पे फिर एक डंडी, तो 4 के बाद एक 5 का पैकेट। फिर 2, अगेन 2, अगेन 2, फिर 3, 3 का 1, फिर 1 पर 1, तो ये 1, फिर 1, फिर 3, तो 3 का एक पैकेट हो गया, एंड 0, तो 0 का एक पैकेट हो गया। इस तरह से हमने इसकी टेलीमार्किंग किया। अब इनको काउंट करके इनकी संख्या लिख दीजिए, कितने हैं? 5, एक पैकेट। यहाँ क्या हुआ? 1 पैकेट मतलब 5,
6-7 काउंट करना आसान हो गया आपको पैकेट बना देने से, वरना डंडिया गिनने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर एक पैकेट 5, 6, 7, 8 कितने आ गए यहाँ पर 8, यहाँ एक पैकेट 5। नाउ टोटल ऑफ दिस 5 + 7 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 5 = 25 कितना आया आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज 25। कितनी फैमिलीज लेके चले थे आप 25, बराबर सेम आएगा। इस तरह से किसी रॉ डाटा को हम लोग एक टेबल के रूप में लेकर के आते हैं। यहाँ टेली मार्क केवल यहाँ पर इस्तेमाल के लिए है। इसके आगे जब मीन निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, तो हम सिर्फ दो कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और बारंबार का फ्रीक्वेंसी। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा, पहले वीडियो में मैं टेबल बनाना क्लियर करना चाह रहा हूँ। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ चिल्ड्रन देख लिए थे अपने 0, 1, 2, 3 और उनको काउंट करते चले गए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको हम एक बार फिर से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में मैं आपका कंसंट्रेशन किस जगह ले जाना चाह रहा हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास में जो संख्याएं हैं 45, 80, 95 पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, है ना, उसके बाद ज्यादा संबंध होता है समझना। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके अर्थ को समझो, फिर हल करना शुरू करो। क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों की संख्या, नंबर ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट लोकेलिटीज, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग कॉलोनियों में, ऑफ ए सिटी, ऑफ अ सिटी, किसी शहर में अलग अलग मोहल्ले ले लिए, भाई आपने कोई संगम नगर ले लिया, 51 नंबर स्कीम ले लिया, 71 नंबर स्कीम ले लिया, 140 स्कीम ले लिया, अलग अलग स्कीम्स अलग अलग लोकेलिटी के आपने मोहल्ले लिए और वहां से नंबर ऑफ प्लांट्स को काउंट किया कि इस कॉलोनी में कितने प्लांट्स लगे हैं और वो संख्याएं आप नोट करके लेकर के आ गए। अब मुझे कॉलोनी के नाम से कोई मतलब नहीं यहाँ पे कि किस कॉलोनी में कितने प्लांट थे, मेरे लिए तो ये रॉ डाटा है कि पहली कॉलोनी में 45 प्लांट थे, सेकंड कॉलोनी में 80, थर्ड कॉलोनी में 95 प्लांट। इस डाटा को मैं अगर ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ लिमिटेड संख्याएं थी, 4, 5, 6, 10 संख्याएं तक, लेकिन यहाँ पर तो लगभग हर संख्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो मेरे लिए इसको इस तरीके से कर पाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी सारी संख्याओं को तो मेरी टेबल का लार्ज साइज हो जाएगा। हमें बहुत बड़ी टेबल नहीं बनानी है, टेबल को कंसोलिडेट मतलब छोटे से छोटा रखने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, हमारे पास जो डाटा है इस डाटा में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर 80, 95 से बड़ी संख्या कोई दिखे तो बताना मुझे, 95 से बड़ी कोई संख्या दिखे तो बताइएगा मुझे, 95 इज द हाईएस्ट नंबर, 95 से बड़ी आपको नहीं मिली, ओके। नाउ टेक स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 45 से छोटा कोई दिखे तो 32 से छोटा दिखे तो कोई बताना, 32 से छोटा, 32 से स्मॉलर, स्मॉलर स्मॉलर 32 से कोई भी नहीं है। आपके पास सबसे छोटी नंबर है 32 और सबसे बड़े नंबर है 95, आपका रेंज हो गया 32 से 95। 32 से 95 की संख्याओं को लिखवाना तो मेरे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप में बदलता हूँ। इसको हम बोलते हैं क्लासिफाइड डाटा या ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में बदलने के लिए कैसे करेंगे, हम टेबल बनाते हैं। टेबल में पहला कॉलम हम ले लेंगे सीआई, या हम बोलते हैं इसको ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, इजी वे में लिखे हम, है ना, या हम इसे लिख सकते थे नंबर ऑफ प्लांट्स, या नंबर ऑफ प्लांट या क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं हम इसको, सी आई करके भी लिखा जाता है, क्लास इंटरवल। इसमें क्या करते हैं आप क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल में आप इस पूरे डाटा को 32 से 95 वाले डाटा को हम ग्रुप में बदल देते हैं। ग्रुप में क्या किया हमने, पहला ग्रुप ले लिया 30 से 40 का, 10 का ग्रुप ले लिया, मतलब वो संख्या जो 30 से 40 के बीच में आएगी उसे इस ग्रुप में मानेंगे हम। 40 है वो, 40 से 50 वाले को हम दूसरा ग्रुप मान लेंगे, 50 अबव इसको हम अलग ग्रुप मानेंगे, 60 अबव इसे अलग ग्रुप मानेंगे, 70 अबव अदर ग्रुप, 80 अबव अदर ग्रुप और 90 अबव ये अलग ग्रुप। इस तरह से मेरे पास में कई सारे ग्रुप्स बन गए, मेरे पास थोड़ी सी नीचे कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इसे मिटा करके एक बार फिर से जल्दी से
ग्रुप वही रहेंगे, बस लिखने का थोड़ा सा उसको पास कर देता हूँ। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। हमने इस तरह से ग्रुप बना दिए, 10-10 के इंटरवल में, 10-10 के इंटरवल को लिया हमने 30 से 40 तक की संख्या, इसलिए इसको क्या बोला, क्लास इंटरवल, है ना, कि इंटरवल्स में लिया है। इसका मतलब ये है कि अब मैं जब इसके टेली मार्क्स लूंगा, टेली मार्क्स, तो वो टेली मार्क्स कहां से कहां तक के बीच में होंगे, 30 से 40 के बीच की कोई संख्या आएगी तो वो इस जगह पर आएगा, 40 से 50 के बीच की संख्या आएगी तो वो यहाँ आएगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहली संख्या है मेरे पास 45, 45 30 से 40 के बीच आएगा, नहीं 40 से तो बड़ा है, 40 से 50 के बीच आएगा, हाँ 40 से बड़ा है लेकिन 50 से छोटा, तो 45 फर्स्ट संख्या, हम यहाँ पर एक डंडी खड़ी कर देंगे 40 से 50 के बीच, है ना, मुझे संख्या 45 से मतलब नहीं, 40 से 50 के बीच की एक संख्या। फिर 80 किधर आएगा, 80 से 80 है, एक बात ध्यान रखना अपन लिमिट को शामिल नहीं करते, 80 है ना, तो 80 को यहाँ शामिल नहीं करेंगे, 80 को अगले कॉलम में, अगले क्लास इंटरवल में, जहां वो लोअर लिमिट में इस्तेमाल हुआ है, अगर एग्जिट बाउंड्री मिले तो जहां लोअर लिमिट है वहां इस्तेमाल करेंगे इसको, तो 80 को यहां रखेंगे। ओके, सेकंड नंबर 95, 90 अबोव बट 100 लेस देन, तो 90 से 100 के बीच रखेंगे। फिर 32, 30 से 40 के बीच में यहां रखेंगे। 64, 60 अबोव बट बिलो 70, 60 से 70 के बीच में रख दी गई। फिर 49, 49, 40, 50 के बीच में, 83, 83, 80 अबोव 90 बिलो यहाँ रख दी गई। 91, 91, 90 से 100 के बीच, 42, 40 अबोव, 87, 87, 80 से 90 के बीच हुई, 36, 30 से 40 के बीच आ जाएगी, 74, 74, 70 to 80 के बीच में आ गई। फिर 79, 79, 70 to 80 के बीच आ गई, 89, 89, 80 से 90 के बीच आ गई, 68, 68, 60 से 70 के बीच आ गई, फिर 72, 72, 70 से 80 के बीच में आ गई, 88, 80 से 90 के बीच, ये चार के बाद एक पांच का ब्रैकेट हो गया, 45, 40 से 50 के बीच आ गई, 52, 50 से 60 के बीच आ गई, एंड 59, 50 से 60। इस सबसे टैली मार्क्स खड़े हो गए आपके पास में। इन टैली मार्क्स के बाद में अब आपको यहाँ पर लिख देनी है क्या चीज आ जाएगी आपके पास में, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या मिली आपके पास में, 2, 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 का पैकेट बना था एंड 2। नाउ काउंट दिस, इसका टोटल लगा दीजिए, 2 + 4 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 5 = 18, 18 + 2 = 20। कितना आया टोटल, 20। आप कितनी फैमिली लेके, कितने लेके चले थे आप, नंबर ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ द सिटी, आर एस फॉलो, संख्या नहीं दी तो काउंट कर लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 है, मतलब आपने क्वेश्चन प्रॉपर कर लिया। ये था तरीका रॉ डाटा से टेबल फॉर्मेट में लाना। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हमारे को सीखने हैं, एवरेज निकालना, मीन निकालना, उसमें टेली मार्क्स का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। अब जो नेक्स्ट सेशन में मैं वीडियो में क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपके पास में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगी और उससे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।